हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं एनएसएन किचन। आज हम बनाने वाले बिना अंडे के बनाना केक। बनाना केक बनाने के लिए पहले लिए बनाएंगे यहाँ पे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने लिया है 1/4 कप दूध और आधा छोटा चम्मच विनेगर। इसको मिलाकर हम साइड में और यहाँ पे मैंने लिया आधा कप हमें लिया। ये एक केले का रेसिपी है दोस्तों, तो इसमें मैंने लिया है यहाँ पे अब एक लिया है मैंने आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, देखिए आधा छोटा चम्मच। और मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सबको मिलाकर हम छान कर अलग से रखेंगे। इसमें लिया है मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक और लिया है हमें चुटकी भर दालचीनी पाउडर। और इसमें 1 चुटकी नमक और इन सबको हमने एक छन्नी में मिक्स करके छान लेना है ताकि कोई गांठ वगैरह ना हो, कोई दालचीनी का मोटा टुकड़ा ना आ जाए। तो मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर दिया। अब इसको मैं छान लूँगा। तो देखिए इस तरह से आप एक छन्नी में इसको छान लेना है। फिर आपने इसको एक अलग साइड में रखना है। सॉरी दोस्तों, पीछे से थोड़ा साउंड आ रही है। हमारे पड़ोस में मकान बनने का काम चल रही है। ये देखिए इस तरह से केला जो है आपने बाजार से लेने के कम से कम 2-3 दिन तो आपने रखना है ताकि अच्छा से गला हो, या फिर आपने गला हुआ है खरीद के लाना एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल मैश हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से कांटे की मदद से आप अच्छा से मैश कर ले इसको। बिल्कुल इसमें अच्छा से मैश हो जाए। तो इसमें डालेंगे नींबू, आपने थोड़ा सा डालना 4-5 फोन। और इसमें जाएगा फिर आपने बने लहसुन, ये भी आपने 2-3 बूंद मिलाने हैं। अच्छा अच्छा से उसमें फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए ये हो गया हमारा। इसको हम साइड कर लेंगे, एक बाउल में मिला देंगे इस तरह से। अब इसमें मिलाएंगे हम चीनी 1/4 कप, 1 कप केले के लिए चीनी पाउडर। और इसमें मिला देंगे अब बटर मिल्क जो पहले बनाकर रखा था, आपने उसको कम से कम 10 मिनट रखना है। तो उसको मिला देंगे अच्छा से। उसके बाद जाएगा इसमें पिघला हुआ बटर 3 टेबल स्पून लेना है आपने, क्योंकि बटर अच्छा से मिलाएंगे तो उसमें एकदम केक आपका सॉफ्ट बन जाएगा। आप इसमें तेल भी मिला सकते हैं पर बटर मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें मैदे को थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। देखिए एक साथ मिलाएंगे तो फिर वो आपकी गांठ बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिला के और आपने एक ही तरफ मिलाना है इसको, जिस तरफ से केक बनता है वो एक ही तरफ से केक को इस तरफ और उस तरफ दो तरफ में घुमाते एक ही साइड से ही आपको मिक्स करना है। इस तरफ से अच्छा से मिलाए। देखिए ये हमारा इस तरह से होना चाहिए आपका केक का मिक्स। ये देखिए इसमें मैंने बटर लगाया, उसके बाद सूखा मैदा लगाना है आपने। हमारा ओवन पहले से गर्म है, आपने पहले 250 सेल्सियस पूरा गर्म रखने हैं। उसके बाद आपने 180 पर इसको कम से कम 25 मिनट के लिए बेक करना है। ये देखिए इस तरह से आपका आधा कप मैदे और एक केले में आपका ये 6 कपकेक बन जाएंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं ओवन में रख दूंगा बेक करने के लिए। पहले से हमारा ये ओवन गर्म है, तो कभी भी केक बनाते समय आप इसको पहले से गर्म रखें। तो देखिए दोस्तों हमारा केक तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, आपका 1 सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मदद हो सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और घर पर बनाकर अपने परिवार वालों को जरूर खिलाइए दोस्तों।
और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।